गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 15 स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे एनालिसिस ऑफ क्लोन जीन की टेक्निक के बारे में। तो हम जो बात कर रहे थे क्या था, टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ क्लोन जीन, जिन जीन्स का आपने क्लोन रेडी किया है उन जीन्स की क्लोनिंग की एनालिसिस करने में, कि आपकी जो क्लोनिंग है वो प्रॉपरली हो पाई है या नहीं हो पाई, या बीच में कुछ आपके मिसमैनेजमेंट हो गया, इसका एनालिसिस करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने जेड इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में स्टडी कर लिया था। तो जेड इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, डीएनए को उसके साइज के बेस पे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेट और आइसोलेट करने में, डीएनए के सेगमेंट को आइसोलेट करने में हमने क्या किया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज किया था। फिर हम सेकंड टेक्निक के बारे में बात कर रहे थे, वो सेकंड टेक्निक कौन सी थी, ब्लोटिंग। और ब्लोटिंग जो टेक्निक है वो आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या आपका नेक्स्ट स्टेप है। इफ अगर आपको ब्लोटिंग शो करनी है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो आपके पास डीएनए के जो फ्रेगमेंट आपने जो आइसोलेट किए हैं, इन डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या करते हैं, हम नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर ट्रांसफर करने का काम इसमें हम करते हैं, ट्रांसफर ऑन द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर। क्लियर हुआ। अब यहां पे आप किस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहे हो, जो ट्रांसफर होने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी डीएनए के लिए, आरएनए के लिए या प्रोटीन के लिए अलग अलग हो सकती है। चूंकि हमारे सिलेबस में डीएनए से रिलेटेड था, इसलिए हमने किसकी बात की थी, डीएनए से रिलेटेड एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की और पेज की। क्लियर हुआ। अब देखिए, मॉलिक्यूल आप डीएनए यूज कर रहे हैं या आप आरएनए यूज कर रहे हैं या आप प्रोटीन यूज कर रहे हैं, किस मॉलिक्यूल का आपको ब्लॉट रेडी करना है उसके बेस पे ये जो आपकी टेक्निक है, थ्री टाइप्स की होती है। अगर आप डीएनए को यूज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को, डीएनए के मॉलिक्यूल का एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसे क्या बोल देंगे हम, सडन ब्लॉटिंग। सडन ब्लॉटिंग में क्या करेंगे, इसी तरीके से इफ हम आरएनए का एनालिसिस करते हैं तो इसी ब्लॉटिंग को हम क्या बोल देते हैं, सडन ब्लॉटिंग। और अगर हम प्रोटीन का एनालिसिस करते हैं तो इसे हम क्या बोल देते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। देखिए यहाँ पे ब्लॉटिंग में क्या होगा, आप किस मॉलिक्यूल का एनालिसिस करना चाहते हैं, हमने कहा एनालिसिस की टेक्निक है, तो किस मॉलिक्यूल का आप एनालिसिस करना चाहते हैं उसके बेस पर ब्लॉटिंग के कितने टाइप्स है, थ्री टाइप्स है। कौन कौन से टाइप है, पहला है सडन ब्लॉटिंग, फर्स्ट वन इज सडन ब्लॉटिंग, सेकंड वन इज नदन ब्लॉटिंग एंड द थर्ड वन इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब सबसे पहले सडन ब्लॉटिंग के बारे में डिस्कवरी हुई थी, सबसे पहले सडन ब्लॉटिंग के बारे में बताया था, उसके बाद मॉलिक्यूल को चेंज करने के बेस पर और साथ ही साथ जो फिल्टर पेपर आप यूज कर रहे हैं इसको चेंज किया जाएगा, तो आपके नदन और वेस्टर्न दो अलग अलग टाइप की ब्लॉटिंग की गई है। एक नई लेटेस्ट ब्लॉटिंग भी आपके अभी इवॉल्व हुई है, ईस्टर्न ब्लॉटिंग, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। देखिए जो सदर्न ब्लॉटिंग है, इस सदर्न ब्लॉटिंग को सबसे पहले ईएम सदर्न जो साइंटिस्ट हुए हैं, ईएम सदर्न साइंटिस्ट ने बताया था सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में, और इन्हीं के नाम पे इसे क्या बोल दिया, सदर्न ब्लॉटिंग। सबसे पहले कौन सी ब्लॉटिंग डिस्कवर हुई थी, सदर्न ब्लॉटिंग, किसके लिए काम में आ रही है, डीएनए के मॉलिक्यूल्स के लिए। यहाँ पे हम जो फिल्टर पेपर काम में लेंगे वो फिल्टर पेपर किसका होता है, नाइट्रोसेलुलोज का। कौन सा फिल्टर पेपर यूज करेंगे हम इसमें, नाइट्रोसेलुलोज का बना हुआ फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं, ये आपके नॉर्मल पेपर जैसा ही होता है। तो नाइट्रोसेलुलोज का फिल्टर पेपर है जो आपके नॉर्मल फिल्टर पेपर जैसा ही होता है, इसमें हम क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए नदन ब्लॉटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आरएनए के लिए काम में आता है नदन ब्लॉटिंग, आरएनए के सेगमेंट को एनालिसिस करने में काम में आता है, और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ऑल्विन ने। तो किसने डिस्कवर किया था इसे, ऑल्विन साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे, जो ऑल्विन साइंटिस्ट थे इन्होंने इसे डिस्कवर किया।
अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर का यूज नहीं करते, और नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर की जगह किसका यूज करेंगे आप, एमिनो बेंजोइल। ऑक्सीमिथाइलिन पेपर का डीएनए, डीएनए की प्लॉटिंग में किसका करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज का, जबकि अगर आप आरएनए की बात कर रहे हैं तो कौन सा यूज करेंगे आप, अमीनो बेंजोइल ऑक्सीमिथाइलिन फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की प्लॉटिंग के बारे में। अब देखिए हमें पता है जो प्रोटीन है वो क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन। किसकी बनी होती है प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, बहुत ही लंबी चेन्स होती है। अब सबसे पहले हमें जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन है इसे स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या करेंगे हम, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करेंगे, और इस ब्रेक डाउन के लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं, वो कौन सा एंजाइम हो जाएगा, सोडियम डोडोसाइल सल्फेट, इस केमिकल को यूज करेंगे हम यहाँ पे, सोडियम डोडोसाइल सल्फेट। देखिए तो प्रोटीन के ब्लॉटिंग करने से पहले जो आपके पास लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन है इन्हें हम क्या करेंगे, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करेंगे, और स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करने के लिए हम सोडियम डोडोसाइल सल्फेट का यूज करते हैं। क्लियर हुआ। अब जैसे आपके पास स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, इसे आप जेल में ट्रांसफर कर देंगे और इसका आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेंगे। इसके बाद जो आपके पास जो बैंड्स मिलेंगे उन बैंड को क्या कर देंगे आप, या तो नाइट्रोसेलुलोज की फिल्टर पेपर पे ट्रांसफर कर लेंगे, या आप यहाँ पे नायलॉन से बना हुआ फिल्टर पेपर भी यूज कर सकते हैं। ये जो आपकी टेक्निक है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इस वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, टॉविन ने। तो किसने बताया सबसे पहले वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में, टॉविन साइंटिस्ट ने बताया। तो देखिए हमने थ्री अलग अलग टाइप की ब्लॉटिंग के बारे में पढ़ लिया। एक आपके पास ब्लॉटिंग है सदर्न ब्लॉटिंग, सेकेंड आपके पास नदर्न ब्लॉटिंग, और थर्ड आपके पास वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग में किसका एनालिसिस होगा, डीएनए का एनालिसिस होगा, नदर्न ब्लॉटिंग में आरएनए का एनालिसिस होगा, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्रोटीन का एनालिसिस होगा। अब देखिए आगे, यहाँ पे हम सदर्न में नाइट्रोसेलुलोज का फिल्टर पेपर यूज करेंगे, नदर्न में एमिनो बेंजोइल ऑक्सीमिथाइलिन का यूज करेंगे। जब हम बात करते हैं प्रोटीन की तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपकी बड़ी बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इन्हें स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करने के लिए सोडियम डोडोसाइल सल्फेट का भी यूज किया जाता है। क्लियर है। अब हम इसे डायग्राम से देखते हैं कि किस तरीके से ब्लॉटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो देखिए डायग्राम से देखते हैं किस तरीके से जेल ब्लॉटिंग की प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस कंप्लीट की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, और इसमें आपको क्या मिल जाएंगे, डीएनए के बैंड आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इसको हम थोड़ा और स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले डीएनए लेते हैं हम, इन डीएनए के मॉलिक्यूल्स को हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर लिया, तो आपको क्या मिल गए, आरएफएलपी, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर हुआ। अब देखिए इस आरएफएलपी का हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, हमने जेल को एक आपके जो भी चैम्बर है उसमें आपने एडजस्ट किया, और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डीएनए मॉलिक्यूल्स को मूव कराया, तो आपको डीएनए के लेंथ के अकॉर्डिंग क्या मिल गए, जेल के डीएनए के बैंड मिल गए। अब जैसे ही आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस कंप्लीट की, इसके बाद क्या हुआ आपके पास, आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, और क्या कराएंगे, आप इसके ऊपर फिल्टर पेपर रख देंगे। यानी कि अब हम क्या करेंगे, ब्लॉटिंग की प्रोसेस करेंगे, और जैसे ही आपके पास जो जेल था इस जेल के ऊपर क्या किया आपने, फिल्टर पेपर रख दिया, और बहुत सारे फिल्टर पेपर रख के इनके ऊपर आपने क्या कर दिया, एक वेट रख दिया। यह पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वेट रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। वेट रखने से क्या होता है कि जो प्रोसेस है वो थोड़ी इजी हो जाती है और फास्ट कंप्लीट हो जाती है। अब जो बैंड आपके इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जेल पर थे, यही बैंड कहाँ आ जाएंगे, आपके जो सबसे लोअर जो आपके पास फिल्टर पेपर आपने यूज किया, इस फिल्टर पेपर पर एज इट इज आपको बैंड मिल जाएंगे।
तो ये जो आपने जो बैंड थे जेल से कहाँ ट्रांसफर कर दिया आपने, फिल्टर पेपर पर। और कौन सा फिल्टर पेपर है ये, नाइट्रोसेलुलोज का। तो कहाँ ट्रांसफर कर दिया आपने, नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पेपर पर आपने इसे ट्रांसफर कर दिए। अब आगे इफ आप फिंगर प्रिंटिंग करना चाहते हैं या आपका जो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट आपको सेपरेट करना है, तो आप इसकी रिएक्शन प्रॉप से कराएंगे। डीएनए की बात करें तो हम डीएनए प्रॉप से कराएंगे, और प्रॉप से कराने के बाद इसे आप एक्सरे में देखते हैं। कौन सी रेंज में देखेंगे, एक्सरे में, और आपको आपका डिजायर्ड डीएनए का सेगमेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से हम ब्लॉटिंग की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कौन सा है, पीसीआर। आज के हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीसीआर, जिसे हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर दैट मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अभी जो हमारी कोविड की जो हम ट्रीटमेंट में काम में ले रहे हैं इसके, वो पीसीआर ही है कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं। तो जो भी आप इसकी चेकअप करते हैं उसमें आपने देखा होगा आरटीपीसीआर, वो इसी पीसीआर का एक आपका टाइप है। तो देखिए क्या होगा, आरटीपीसीआर या पीसीआर। ये जो पीसीआर है ये सबसे पहले किसके ने डिस्कवर किया था, कैरी मुलिस ने। सबसे पहले किसके दो किसने डिस्कवर किया इसे, मुलिस ने। इन्होंने क्या किया, जो आपके पास सिंगल डीएनए का जो सेगमेंट है, या जो सिंगल डीएनए है आपके पास, इस सिंगल डीएनए की आपको बहुत सारी कॉपी बनानी है, मिलियंस ऑफ कॉपी आपको इसकी बनानी है। तो मिलियंस कॉपी बनाने के लिए देखिए हम क्या करते थे, पहले आप डीएनए को सेपरेट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कराएंगे, पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे, फिर वेक्टर यूज करेंगे, वेक्टर के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, इसके बाद इसको होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे, और होस्ट सेल इसे क्या करता था, एम्पलीफाई करता था। तो इतनी प्रोसेस को करने की जगह अब हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे पीसीआर की टेक्निक यूज कर सकते हैं, और सिंगल कॉपी से आपको बहुत ही कम टाइप में क्या मिल जाएगा, मिलियंस कॉपी आपको डीएनए की मिल जाती है। देखिए क्या होता है पीसीआर, इट इज ए टेक्निक क्या हुआ, देखिए पीसी इट इज ए टेक्निक फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए दैट इज यूजफुल टू गेट मिलियंस ऑफ रेप्लिका फ्रॉम ए सिंगल डीएनए। इन ए शॉर्ट टाइम दिस टेक्निक इज नोन एज पीसीआर दैट मीन्स पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। तो देखिए क्या कहा हमने, इट इज ए टेक्निक फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, डीएनए का डुप्लीकेशन करेंगे, इसका नंबर इंक्रीज करेंगे, और जैसे जैसे आप डुप्लीकेशन करते जाएंगे एक साइक्लिक प्रोसेस में, तो आप सिंगल कॉपी से क्या कर सकते हैं, आपके पास सिंगल कॉपी है डीएनए की, इससे आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में मिलियंस कॉपी ऑफ डीएनए बना सकते हैं। तो सेम डीएनए से अगर आपको मिलियंस कॉपी ऑफ डीएनए फॉर्म करना है, तो आप सिंपल इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। और जो टेक्निक कौन सी है, ये हमारी पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपके पास एक थर्मल बॉक्स होता है, जिसे हम कह सकते हैं थर्मल साइक्लर। ये थर्मल साइक्लर क्या करता है, साइक्लिक मैनर में टेम्परेचर को कंट्रोल करके आपके डीएनए की रेप्लिका बनाने में हेल्प करता है। क्लियर हुआ। अब पीसीआर में आपके पास जो सिंगल डीएनए से इसकी कॉपी बनने में जो टाइम लगता है, ये टाइम लगता है आपका 2 to 5 seconds का। ओनली 2 to 5 seconds में आपका क्या हो जाएगा, एक डीएनए से आपका सिंगल कॉपी से आपकी डबल हो जाएगी। अगर आप इसको साइक्लिक मैनर में ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे, तो सिंगल कॉपी से 2 copy, 2 से 4, 4 से 8, और इसी तरीके से कंटिन्यू होते हुए कुछ ही टाइम में, हम बात करें कुछ
हाफ एन आवर में क्या कर सकते हैं आप, मिलियंस कॉपी ऑफ डीएनए की बना सकते हैं इसी प्रोसेस में। यहाँ पे आपके पास थ्री स्टेप्स होते हैं पीसीआर के पास, आपके पास थ्री स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम डीएनए का डीनेचुरेशन करते हैं। क्या करेंगे, डीएनए का डीनेचुरेशन करेंगे, और डीनेचुरेशन में क्या होगा, जो दोनों स्ट्रैंड थे डीएनए के वो आपके ओपन हो जाएंगे। इसके बाद आप इसमें प्राइमर को ऐड करेंगे जिसे हम बोलते हैं एनीलिंग। तो सेकंड प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे, एनीलिंग। और लास्ट और थर्ड प्रोसेस होती है इसमें इलोंगेशन की। तो देखिए जो पीसीआर है, इस पीसीआर में आपके पास थ्री स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डीनेचुरेशन, आपके पास जो कॉइल्ड है डीएनए की कॉइलिंग है ये ओपन हो जाती है और आपके दोनों ही सेगमेंट अलग अलग हो जाते हैं। फिर आप एनीलिंग करेंगे, यानी कि इसमें आरएनए प्राइमर ऐड कर देते हैं। आप ये टेक्निक दे नहीं रखी है सिलेबस में, ये जस्ट मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो डीनेचुरेशन हो गया सबसे पहले, फिर आपने एनीलिंग कर ली, और एनीलिंग करने के बाद नए नए नाइट्रोजन बेस इस पर ऐड होते जाएंगे और कंटिन्यू आपके डीएनए के सेगमेंट का क्या होता जाएगा, इलोंगेशन होता जाएगा। तो इस तरीके से आप 2 to 5 सेकेंड में, 225 सेकेंड में आपकी कॉपी बन जाती है, और हाफ एन आवर में आप क्या कर सकते हैं, इसी साइकिल को कंटिन्यू करते हुए मिलियंस कॉपी बना सकते हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही, हमें नेक्स्ट वीडियो में पीसीआर के यूज देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।